नगर परिषद उपचुनाव वार्ड 2 में 76.85% मतदान 27 नवंबर को होगा भाग्य का फैसला। जिला कलेक्टर ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने व लापरवाही बरतने पर 3 BLO को किया निलंबित। कवराज सिंह चौहान बने शिव विधानसभा प्रभारी। तन दिवस पर सेमिनार आयोजन शनिवार को। पद्म श्री अनवर खान को रजत अवार्ड से बिरला ऑडिटोरियम में राज्यपाल ने किया सम्मानित। अध्यापक ने की अनूठी पहल, जरूरतमंद बच्चों को पहनाई चरण पादुका। शिक्षक बलराम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चांदन में है कार्यरत। पादुका पा खिले ननिहालों के चेहरे। अब तक की खास खबरें डाइजेस्ट ऑफ न्यूज से मैटीना सोनी। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद उपचुनाव वार्ड 2 में 76.85% मतदान 27 नवंबर को होगा भाग्य का फैसला। वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव का मतदान शुक्रवार को शाम 5 बजे समाप्त हुआ। पुलिस लाइन स्कूल में बनाए मतदान केंद्र में 76.85% मतदान हुआ। कुल 917 मतदाता में से 704 मतदाताओं ने वोटिंग की। अब 27 नवंबर रविवार को SBK कॉलेज में मतगणना होगी, जिसमें कांग्रेस और BJP के दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आएगा। वार्ड 2 के उपचुनाव में कांग्रेस की सुमन कंवर और BJP की चंद्र कंवर में सीधी टक्कर है। वार्ड वासियों ने भी मतदान में जमकर हिस्सा लिया। मतदान केंद्र के बाहर दोनों पार्टियों के लोगों में उत्साह देखा गया। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जिला कलेक्टर ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने व लापरवाही बरतने पर 3 BLO को किया निलंबित। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पोकरण की अनुशंसा पर पंचायत समिति नाचना के सदस्य संख्या 14 की मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने और अपने कार्य को लापरवाही पूर्वक कार्य करने पर दोषी पाए जाने पर 3 BLO को निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोकरण ब्लॉक के BLO बोझराज अध्यापक लेवल 1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारेवाला बहादुर राम अध्यापक लेवल 1, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 5 MKD पोकरण तथा नेत्राम प्रबोध लेवल 1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 JWM भारेवाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा तथा इनका मुख्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी फतेहगढ़ रहेगा, जहां प्रत्येक दिवस को उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कवराज सिंह चौहान बने शिव विधानसभा प्रभारी। जैसलमेर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देशानुसार आक्रोश जन यात्रा को लेकर विधानसभा वार प्रभारियों की घोषणा की गई है। इस क्रम में बाड़मेर के शिव विधानसभा के लिए जैसलमेर जिले के भाजपा नेता कवराज सिंह चौहान को प्रभारी मनोनीत किया गया है। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। संविधान दिवस पर सेमिनार आयोजन शनिवार को। जैसलमेर कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा शनिवार 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रातः 11 बजे सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कांग्रेस जन भाग लेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में समस्त कांग्रेस जन प्रतिनिधि, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारत की आज़ादी के बाद 26 नवंबर सन 1949 को भारत गणराज्य की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, इसलिए आज के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पद्म श्री अनवर खान को रजत अवार्ड से बिरला ऑडिटोरियम में राज्यपाल ने किया सम्मानित। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान की लोक संस्कृति के परिचायक और लोक संगीत के लोक गायक हस्ताक्षर पद्म श्री अनवर खान बहिया को जयपुर के खचाखच भरे बिरला ऑडिटोरियम में राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रजत अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्थान सभा के कैबिनेट मंत्री डॉ. BD कल्ला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. CP जोशी, क्षत्रिय युवक संघ संरक्षण भगवंत सिंह, रोल साहब सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद का भी सानिध्य रहा। जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पद्म श्री अनवर खान भैया को उनके द्वारा राजस्थानी लोक संगीत क्षेत्र में दिए अतुल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इससे पहले अनवर खान द्वारा बिरला सभागार में आवो नी पधारो मारे देश की अपने पोते मोती खान सहित टीम के साथ शानदार प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल भी 3 पीढ़ियों द्वारा एक साथ दी गई प्रस्तुति भाव विभोर हो गए। अनवर खान भैया को गत वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
प्रमुख मोहन भगवत जब अनवर खान के बाड़मेर स्थित निवास पर बिना किसी तामझाम के पहुंचे तो अनवर खान राष्ट्रीय सुर्खियां बन गए। अनवर खान लोक गायकी का बड़ा चेहरा है जो कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। उन्हें जयपुर महानगर टाइम्स रजत समारोह में रजत अवार्ड सम्मान से नवाजा गया। अनवर खान की गायकी की तारीफ अनुराग ठाकुर सहित शंकराचार्य वासुदेव नंद ने भी की है। अध्यापक ने की अनूठी पहल, जरूरतमंद बच्चों को पहनाई चरण पादुका। शिक्षक बलराम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चांदन में है कार्यरत। पादुका पा लेते ही नैनी यालो के खिले चेहरे। सराहनीय पहल की हर कोई कर रहा है तारीफ। विद्यालय परिवार ने साफा पहनाकर अध्यापक की पहल का किया बहुमान। चांदन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अध्यापक बलराम ने की अनूठी पहल, जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क वितरित किए चरण पादुका। पादुका पा खिले नैनी यालो के चेहरे। चांदन जैसलमेर। जैसलमेर जिले के चांदन कस्बे में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज शिक्षक बलराम ने अनूठी पहल की जिसकी अब हर कोई सराहना कर रहा है। उन्होंने अपना गुरुधर्म निभाते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को सर्दी की आहट से देखते हुए निःशुल्क जूते उपलब्ध करवाए जिससे बच्चों को कम ठंड लगे वह अपना अध्ययन अध्यापन जारी रख सके। वही चरण पादुका पा नैनीहालों के चेहरे पर उन्होंने 20 से अधिक बच्चों को चरण पादुकाएं पहनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए डाइजेस्टम न्यूज़ से। नमस्कार।